हाय फ्रेंड्स, सबको नमस्कार। आज मैं मीटियोर 350 मेरा स्टेलर ब्लू कलर का करेक्ट एक साल हो गया है, एक साल का वॉटरशिप रिव्यू आप लोग को सामने लेके आ रहा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो बहुत आदमी देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं ऑलमोस्ट 4,856 किलोमीटर राइड किया हूँ, क्योंकि मेरे पास न्यू क्लासिक भी था और मेरा बैटरी व्हीकल भी आ गया था, इसीलिए रनिंग कम किया। वैसे तो 10,000 का उनका दिया हुआ है सर्विसिंग के लिए, मैं फिर भी सर्विसिंग करा दिया। अभी तक मेरा एक साल हो गया है, मेरा मेंटेनेंस देख सकते हो। अभी भी मैं हमेशा शैम्पू से वॉश करता हूँ, इसमें कुछ भी मैं साबुन सर्फ जैसा कुछ भी नहीं लगाता हूँ। अभी भी नया बाइक जैसा दिखता है। एक बार चारों तरफ से और भी देख लीजिए। इस वीडियो में एक साल का दौरान मेरे को क्या क्या चीज़ अच्छा लगा, क्या क्या चीज़ ख़राब लगा, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कराता हूँ। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है ये डिस्प्ले, ये कंसोल मीटर। आपको दिनों रात हो इसका विजिबिलिटी काफ़ी बहुत अच्छा है, कभी भी आपको ऐसा शिकायत नहीं मिलेगा विजिबिलिटी नहीं हो रहा करके। ट्रिप नेविगेशन दिया हुआ है लेकिन एक का भी कम इस्तेमाल करते हैं। इसमें आपको ट्रिप ए, ट्रिप बी या फेक मिलेगा, ये बॉडी वो टोटल रीडिंग। मेरा अभी तक का एवरेज माइलेज है 35 आया हुआ है, लॉन्ग राइड में आपको 38 तक मिल जाता है। मेरे पास न्यू क्लासिक 350 भी है, उसका मुकाबला में ये मीटियोर मेरे को सबसे बढ़िया लगता है। फिट एंड फील्ड बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है, इसका इंजन का फिनिशिंग देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया लगता है। पेंट क्वालिटी भी काफ़ी ज़बरदस्त पेंट क्वालिटी है। मैं सीट पर्सनल लगवाया था, अभी तक कोई शिकायत नहीं। पीछे का लुक भी काफ़ी अच्छा दिखता है, जो लाइट का ये भी काफ़ी अच्छा दिखता है, एक छोटा सा लाइट भी मिला हुआ है इसके नीचे, ये भी काफ़ी अच्छा दिखता है। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है इसका जो सीटिंग कंफर्ट है राइडर के लिए, एक नंबर सीटिंग कंफर्ट है। और ख़ास करके इसका ब्रेक्स बाइबर मिला है और विथ एबीएस का साथ में आते हैं, 300 mm का डिस्क है, आप लोगों को सबको पता है। काफ़ी एक्यूरेट परफेक्ट ब्रेकिंग सिस्टम है, कभी स्किट होता नहीं है। सेम टू सेम रियर ब्रेक ये 70% में सेटिस्फाई है, अच्छा होता है लेकिन फ्रंट के मुकाबले में रियर ब्रेक का इतना सेटिस्फाई नहीं है, फिर भी काफ़ी अच्छा वर्क करते हैं अपने आप में ये 270 mm का डिस्क ब्रेक के रियर में। इसका अलॉय व्हील्स भी काफ़ी मजबूत दिया हुआ है, 10 फोक्स मिलेगा आपको, काफ़ी मजबूत है। सामने वाला अलॉय व्हील्स भी काफ़ी मजबूत दिखता है और इसका पेंट क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा दिखता है, अभी भी कहीं से भी निकला नहीं है। देख सकते हो साइलेंसर में अभी तक कोई भी रस्ट आया नहीं, अभी भी ब्रांड न्यू जैसा दिखता है। इस बाइक में एक खासियत है, इसका जो ब्रेकिंग का सिस्टम है काफ़ी अच्छा, आपको आरामदायक पोजीशन में इसका ब्रेकिंग होता है। अब देख सकते हो कितना भी छोटा हाथ हो बड़ा हाथ हो, इसमें आपको आराम से क्लच भी दबा सकते हो और एवरी बटन आपको उंगली में पहुंचता है। आपका हाई बीम लो बीम हो, आपका इंडिकेटर लाइट्स हो, जो भी हो, हॉर्न एक बार सुनना जी, काफ़ी अच्छा पोजीशन में दिया हुआ है, ऐसा लगता नहीं आपको, छोटा हाथ में भी आराम से पहुंच जाता है। एज टू एज आपको स्टार्ट बटन और आपका 1000 लाइट्स का काफ़ी कंफर्ट पोजीशन में आप इस तरह पकड़ के भी पूरा ऑपरेट कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा लगा। इसका हैंडल बार थोड़ा हमारा तरफ होता है, इसके चलते आपको सिटिंग पोजीशन में काफ़ी कंफर्ट और बहुत बढ़िया लगता है। एक बार इंजन बीट सुनाते हैं आपको।
सामने एक DRL लाइट मिलते हैं, एक काफ़ी अच्छा लुक आता है रात के समय में, दिन में भी काफ़ी अच्छा दिखते हैं। चलिए अभी मैं आपको लो बीम हाई बीम नाइट में कैसे लगता है मैं आपको दिखाऊंगा। ये बिल्कुल डार्क रोड था, मैं अपना ऑफिस जा रहा था उस टाइम शूट किया हुआ है। नाइट में भी आपका मीटर का विजिबिलिटी काफ़ी अच्छा है, लो बीम में अच्छा एक स्पॉट मिलता है, आपको विजिबिलिटी बहुत ही बढ़िया होता है। हाई बीम में क्या होता है आपको ज़्यादा स्प्रेड हो जाता है, देख सकते हैं पूरा पेड़ पौधों में स्प्रेड हो गया। ये थोड़ा और इम्प्रूव कर सकता था ये, हालांकि हैलोजन लैंप है, काफ़ी हीट होता है, LED देने से कुछ अच्छा होता था। रोड दिखता है लेकिन क्या पॉइंट नहीं दिखता है, काफ़ी एरिया में स्प्रेड हो जाता है, ये खास करके हाईवे में आपको अच्छा नहीं लगता है। मैं चैन के लिए हमेशा 15-20 दिन में एक बार साफ़ करके, अभी तक देख सकते हैं मेरा चैन जैसा फिटिंग के साथ में आया वैसे फर्स्ट तरीके में थोड़ा टाइट किया था, उसके बाद कभी टाइट नहीं हुआ 5000 किलोमीटर में। मैं हमेशा यूज़ करता हूँ एक्सप्रेस 90 करके, ये गियर ऑयल है, ये आप यूज़ कर सकते हो, देख सकते हो मेरे चेन का अभी भी सेम टू सेम है। हमेशा चेन के अंदर कभी भी डस्ट नहीं रहना चाहिए, अभी क्रैंक भी बिल्कुल घिसा नहीं है, यह चीज़ अभी भी बहुत लाइफ है, ये आराम से 25000 किलोमीटर तक चलेगा, देख सकते हो। यहाँ पर अभी काफ़ी पीछे तक आप लगा सकते हो, काफ़ी अच्छा लगा। और सबसे बढ़िया हेवी साड़ी गार्ड आता है, अभी भी कहीं भी कोई भी पार्ट में रस्ट तक आया नहीं, काफ़ी बारिश में भी रखा मैं, काफ़ी जगह में धूप में भी रख दिया था, पेंट में कहीं भी रस्ट आया नहीं, एक भी पार्ट में आपको कहीं भी रस्ट नज़र नहीं आएगा। काफ़ी आदमी का इंजन टैपिंग साउंड बोलता है, इंजन टैपिंग साउंड ऐसा कुछ नहीं है, मेरा अभी तक कभी भी हेड खोला नहीं है, जैसा कंपनी सेटअप के साथ में आया वैसे ही है। और इसमें एक ज़बरदस्त फ्यूचर है, आपको पुराना बुलेट में नहीं मिलता था, अभी स्टार्ट करने के बाद यदि मैं फर्स्ट गियर डाल दिया, अभी बाइक चल रहा है, यदि साइड स्टैंड लगा दिया तो कट जाता है, ऑटोमेटिक इंजन कट ऑफ हो जाता है। अभी साइड स्टैंड में आपको यदि गलती से बाइक को स्टार्ट करके लेके जाना चाहते हैं, अभी मैं एक बार स्टार्ट करके दिखाता हूँ, अभी स्टार्ट नहीं होता है बिल्कुल सही स्टैंड में, ये काफ़ी अच्छा फ्यूचर है, अभी भी बहुत अच्छा काम करता है। और डिस्प्ले का जो मीटर रीडिंग है ये भी एक्यूरेट काम करता है, आपका टैंक में 10 लीटर का फ्यूल रहेगा और 5 लीटर का रिजर्व है, आपको एक बार खोल के दिखाता हूँ, ये काफ़ी अच्छा स्टाइल में दिया हुआ है, इसका जो टैंक ये पेट्रोल टैंक का कैप है काफ़ी अच्छा दिया, काफ़ी डेप्थ भी दिया हुआ है इसमें, देख सकते हैं। बाकी न्यू क्लासिक में बहुत नज़दीक दिया था, कभी कभी बाहर आ जाते हैं, ये काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। और पेट्रोल का इसमें टैंक का कैपेसिटी भी ज़्यादा था, न्यू क्लासिक में आपको 2 लीटर कम कर दिया गया। कभी भी गियर इंडिकेटर का जो पोजिशन है आपको गलत नहीं दिखाते, अभी एक में अभी न्यूट्रल आ गया, देख सकते हैं मैं जैसे जैसे शिफ्ट कर रहा हूँ एक्यूरेट होते हैं। न्यू क्लासिक 350 में ऐसा नहीं होता है, आपको गियर इंडिकेटर का कभी कभी मिस हो जाते हैं, न्यूट्रल भी कभी दिखता नहीं है। इसमें ABS इंजन इग्निशन रेडी और बैटरी का दोनों दिखाता है। इसको चलाने का अच्छा आपको एवरेज स्पीड 60-70 मेंटेन करेगा तो आपको माइलेज काफ़ी अच्छा आएगा। इंजन पहले काफ़ी अच्छा हीट होता था, फर्स्ट सर्विसिंग के बाद ये हीटिंग इशू भी बहुत कम हो गया, काफ़ी अच्छा लगता है अभी चलाने का, मज़ा बहुत ही बढ़िया है इसका। यहाँ पर प्लास्टिक दिया हुआ है, मैं एक बार आवाज़ सुनाता हूँ, ये सब प्लास्टिक है लेकिन ये सब मेटल दिया हुआ है, ये भी मेटल है, ये प्लास्टिक दिया लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा मजबूत दिया हुआ है, कभी आपको हल्का नहीं लगता है, काफ़ी अच्छा दिया। इसका सस्पेंशन का जो रॉड है न्यू क्लासिक में एल्यूमिनियम दिया हुआ है, स्टेनलेस स्टील का, बहुत ही बढ़िया, आपको देख सकते हैं यहाँ तक निशान है। सस्पेंशन काफ़ी अच्छा लेते हैं, 4-5 इंच का सस्पेंशन मिलता है, काफ़ी अच्छा। इसमें मैं नाइट्रो एयर अप्लाई करता हूँ, यह मैं अपना ओन जुगाड़ से 90 रुपये खर्चा करके इसका जो संप गार्ड का मैं इस तरह लगाया था,
चाहे तो आप भी लगा सकते हो। सिंपल तरीका है, दो क्लैंप लेके आप इसको लगा सकते हो। ये एक साल के दौरान कुछ चीज़ मेरे को अच्छा नहीं लगा था, मैं आप लोग से शेयर करता हूँ। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है ये जो पिलियन सीट है, यदि साड़ी पहन के लेडीज़ बैठता है तो इसमें बिल्कुल आपको स्पेस नहीं मिलेगा। आपके लिए तो काफ़ी लंबा सीट दिया हुआ है, देख सकते हैं नाप इस काफ़ी लंबा है, लेकिन पिलियन के लिए बहुत छोटा दिया। ये 2-3 इंच बढ़ाने से काफ़ी अच्छा लगता था। और एक पिलियन ज़्यादा देर तक इसमें लेग फोल्ड करके नहीं बैठ सकते, ये काफ़ी नज़दीक दिया हुआ है, देख सकते हैं काफ़ी नज़दीक दिया हुआ है। इसमें उनको काफ़ी देर तक बैठेगा तो पैर का थोड़ा दर्द शुरू होता है, जैसा हम लोग के लिए काफ़ी लंबा एरिया में दिया हुआ है। राइडर के लिए एक नंबर पोजिशन है, लेकिन पिलियन के लिए बहुत ही छोटा हाइट में ये दिया हुआ है। ये थोड़ा नीचे भी होने से अच्छा था, थोड़ा आगे होने से भी सही था, उनको पैर को थोड़ा रिलैक्स मिल जाता था। ये एक बढ़िया है, मेरे को अच्छा नहीं लगा। इसके बाद इसमें सस्पेंशन बहुत ही हेवी है, अभी तो एक साल हो गया, सबसे लो में रखा था मैं, फिर भी इसका सस्पेंशन बहुत ही हेवी है। थोड़ा नाइट्रो एयर अप्लाई करने के बाद में थोड़ा ठीक हुआ, लेकिन अभी भी बहुत ही हार्ड है। आपको ये सस्पेंशन का कोई सॉल्यूशन भी नहीं है, मैं सबसे लो में रखा था, ये थोड़ा स्मूथ करने से अच्छा रखता था, लेकिन ये सभी में प्रॉब्लम है। आपके लिए चलेगा, लेकिन जो पिलियन है ये ब्रैकेट्स में आठ, इसमें आपको पिलियन के लिए काफ़ी झटका लगता है। उसके बाद ये टायर का एक इशू है, टायर में बटन दिया नहीं, इस तरह फ्लैट दिया हुआ है। आपके यदि रेनी सीजन में सडन ब्रेक मारते हैं तो ये स्किट होता है, इसको थोड़ा कटिंग दूसरे टाइप का डिजाइन देने से ये अच्छा था। ये राइडिंग के लिए दिया हुआ है, और हाईवे का एजिस में चढ़ता है तो ये गोल शेप होने के कारण से कभी कभी स्किट होते हैं। रोड एजिस चढ़ते समय ये स्किट होता है, ये थोड़ा संभाल के चलना चाहिए आपको। हल्का सा जर्क लगता है ये, क्योंकि 200 किलो का बाइक है, हल्का जर्क लगने से भी आपको ऐसा लगता है बैलेंस बिगड़ गया। सेम टू सेम फ्रंट में भी है, ये स्मूथ देने की वजह से कभी रोड नीचे उतर के चढ़ता है तो हल्का सा स्किट मारता है, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा मिरर्स का क्वालिटी पूर है, एक हल्का सा किसी का हैंडल लगा था, एक्चुअली मिरर में हैंडल लगने स्क्रैच नहीं होता है, ये कांच होता है, लेकिन इसमें हल्का स्क्रैच लग गया है, ये देख सकते हैं। ये इसका क्वालिटी और अच्छा होने से अच्छा था, ये तो टूट जाता है लेकिन सारा स्क्रैच हो गया, ये थोड़ा ठीक नहीं लगा मेरे को। इसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा क्लिप दे दिया है, यहाँ पर प्रॉपर कोई भी एक कैप नहीं दिया, ये प्लास्टिक का, ये तो कई आदमी का टूट भी गया था, ये प्लास्टिक दिया, काफ़ी डेलिकेटेड है। यहाँ पर परमानेंट सॉल्यूशन देना था, यहाँ पर रस्ट आने से मैं क्या किया हूँ, इसमें मैं ग्रीस अप्लाई किया था। उस टाइम में 1,10,000 लिया विथ लेग गार्ड के साथ में, और अभी तक इसका रेट है ये 2,40,000-45,000 स्टेट वाइज हो रहा है। वैल्यू फॉर मनी न्यू क्लासिक 350 है, नहीं तो मीटियोर बोला जाएगा, तो मेरे को मैं मीटियोर के बोलूँगा, क्योंकि इसका जो बिल्ड क्वालिटी जो फिनिशिंग दिया हुआ है न्यू क्लासिक में इतना नहीं नज़र आता है मेरे को। चलिए एक छोटा सा मेरा एक्सपीरियंस था, पर्सनल एक्सपीरियंस था, ये वैल्यू फॉर मनी है। आप यदि एक रॉयल इनफील्ड का बजट डायला के अंदर लेना चाहता है तो सबसे बेस्ट व्हीकल है अभी तक का। चलिए एक छोटा सा वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। सबको नमस्कार।